गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। बेटा क्लास सेवन्थ, आज की क्लास में हम आपको मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करवाएंगे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। हमें रेशनल नंबर्स दिए हैं, हमें उसका एडिटिव इनवर्स बताना है। कल हमने आपको समझाया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर हमें पॉजिटिव साइन दिया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव साइन दिया है तो एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव होगा। फर्स्ट है आपका 2/3। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू -2/3। +2/3 है, एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2/3। सेकेंड है -3/5। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3/5 इज इक्वल टू 3/5। माइनस का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? +3/5। नेक्स्ट है 0। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 0 ही होगा। नेक्स्ट है -5/-7। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 5/7। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5/7 इज इक्वल टू -5/7। +5/7 है तो क्या हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स? -5/7। नेक्स्ट है 7/-8। हम इसे क्या लिख सकते हैं? -7/8। तो द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7/8 इज इक्वल टू 7/8। प्लस -7/8 है तो +7/8 इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। अब हमें जो रेशनल नंबर्स दिए हैं, हमें उसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स बताना है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स को हम क्या बोल सकते हैं? रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल क्या होता है? इधर देखिए, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ 7। ठीक है, तो 7 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 7 की पावर हम -1 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/7। मीन्स 7 है, यहाँ पर बाय कुछ नहीं लिखा है तो क्या रहता है? 1 रहता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/7। 4/7 है तो वैल्यूज पलट जाती है, क्या हो जाएगा? 7/4। ठीक है, फर्स्ट है आपका 4/13। द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ 4/13 इज इक्वल टू 13/4। 4/13 है, वैल्यूज पलट जाएगी तो 13/4। नेक्स्ट है -5/9। द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ -5/9 तो क्या हो जाएगा इसका? -9/5। इसमें जो साइन लगा हुआ है वही साइन रहेगा। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज होते हैं और मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स में वैल्यूज पलट जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है -6। तो -6 के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा है तो 1 रहता है। द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ -6 इज इक्वल टू -1/6। वैल्यूज पलट जाएगी तो 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट है 12। द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ 12 के अपॉन में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है तो क्या हो जाएगा? ये 1/12। नेक्स्ट है 13/19। द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ 13/19, वैल्यूज पलट जाएगी तो 19/13। नेक्स्ट है 1/2 × 2/3। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचेगा। द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/3 तो क्या हो जाएगा? ये 3/1। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1/3 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 है ये। नेक्स्ट है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है -2/3 × 1/6 तो क्या हो जाएगा? ये 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो -1, 3 × 3 = 9। द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/9 तो -9/1 तो क्या लिख सकते हैं? -9। नेक्स्ट एंड लास्ट है -2/5 × -15/25। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 2 × 3 = 6/25। द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ 6/25 तो क्या हो जाएगा? 25/6। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे।